डेढ़ साल खराब कर लिया। कितना? डेढ़ साल खराब कर लिया ना। अगर डेढ़ साल करते तो आज पता नहीं कितना आगे होना था। अभी तो सिर्फ एक महीना ही हुआ ना, बोलो क्या है? अगर डेढ़ साल पहले ये करते तो आज पता नहीं कहां तक पहुंचते। तो इस ब्रदर का नाम रेशम है और जिपोई गांव के रहने वाले हैं, और इस ब्रदर की गवाही जे जे बता रहे हैं कि जे ब्रदर का जो काम है राजमिस्त्री का जो काम करते हैं, और जे बता रहे हैं कि इस मिस्त्री में आते हैं इनको डेढ़ साल हो गया है, और जैसे जे बता रहे हैं कि जब भी जे अपना दशमांश निकालते थे जो कि जे अपने काम से जो भी इनको पैसे मिलते, तो जे बता रहे जब भी अपना दशमांश निकालते थे और जब कभी इन्हें ज़रूरत पड़ती तो जे बता रहे कि जे उन पैसों से दशमांश से पैसे निकाल कर खर्च लेते थे, पर जे बता रहे कि इनका मन होता था कि फिर से उन पैसों में जे दशमांश में जो पैसे होंगे वो डाल देंगे जितने भी इन्होंने खर्च किए होंगे, पर ऐसा नहीं होता था। कभी कभी तो जे डाल देते थे पर कभी कभी तो इनसे नहीं थे जे डालते, और जे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि जे जो परमेश्वर का दशमांश है, क्योंकि जे हमारा बरकत का नियम है और इन्होंने सीख भी लिया था और ये लगातार कर तो रहे थे, पर जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती तो जो अपना दशमांश भी खर्च लेते थे। और जो बता रहे कि जैसे ही फरवरी मंथ में हमारे जो स्पिरिचुअल मदर है परमेश्वर की दासी, और जैसे ही वो प्रीच कर रहे थे और उन्होंने सबको ऐसे सिखाया, वर्ड दिया कि जो हमारा दशमांश होता है वो परमेश्वर का है, और कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी ज़रूरी भी काम क्यों ना, कभी भी आपने अपना दशमांश कभी नहीं खर्चना, क्योंकि जे है ही परमेश्वर का। और जे ब्रदर बता रहे हैं कि जब इन्होंने इस वर्ड को, इस वचन को सुना, तो जे बता रहे हैं कि घर जाकर इन्होंने अपनी फैमिली के साथ, इनके मिशन ने भी इनसे ऐसे बात की कि सही नहीं हम कर रहे, डेढ़ साल से हम दशमांश तो निकाल रहे हैं पर जब हम उन दशमांश को खर्च लेते बाद में हम डालते नहीं, कभी तो डाल देते पर बहुत बार ऐसे होता कि हमसे डाला नहीं जाता, तो जो कि बरकत भी इनके जेब में, जो बरकत ये चाहते थे वो भी नहीं और आ रही थी इनके जीवन में, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है वो परमेश्वर तो अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है, और परमेश्वर तो इनकी हर एक ज़रूरत को पूरी तो कर रहे थे, पर जो जो चाहते थे कि इनके जीवन में वो आशीष, वो बरकत हो पैसों में, वो नहीं थी, क्योंकि जो जो काम करते थे, और जो बता रहे कि काम में भी इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, कभी जिन्हें काम मिल जाता और कभी ऐसे एक महीना से हफ्ता दो हफ्ते ऐसे घर में ही रहते थे, काम भी सही तरह से इन्हें नहीं था मिलता, तो जो काफ़ी परेशान रहते थे। और जो बता रहे जब इन्होंने फरवरी मंथ में, फरवरी महीने में जब इन्होंने इस वर्ड, इस वचन को खुदावन की दासी के द्वारा सुना, तो इन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया और प्रार्थना की कि परमेश्वर जी आप हमसे करवा चुके, क्योंकि हम चाहते पर हो नहीं रहा, पर आपने हमें स्वर्ग से वचन दिया है और हम विश्वास करते कि आप हमसे पूरा करवा चुके हो। और जो बता रहे जैसे इन्होंने सीखा, फिर इन्होंने मार्च महीने से स्टार्ट में ही करना शुरू किया, जैसे कि परमेश्वर के दास भी सबको ऐसे जब अनाउंस करते हैं कि जैसे भवन की बहुत सारी ज़रूरतें होते हैं और उसके लिए भी अपना स्पेशल सीट लेकर आए, तो इनका बहुत मन होता था कि उसमें भी जो अपना स्पेशल सीट देना चाहते थे, पर कभी कभी तो जो दे रहे थे पर ऐसे जो जितने मन से जो देना चाहते थे उतना होता नहीं था, तो उसके कारण भी इनका मन काफ़ी परेशान होता था। और जो बता रहे जैसे फिर इन्होंने मार्च महीने से करना शुरू किया, जो बता रहे जैसे जो अपने काम पर गए तो उन्होंने मन बनाया कि जैसे एक दिन का जो काम से पैसे मिलते उससे एक दिन का दशमांश नहीं, इन्होंने डबल करना शुरू किया, अगले दिन का भी इन्होंने एक दिन में जो दो दिन का एडवांस ही मतलब 20 दशमांश निकालते थे, तो जैसे इन्होंने फिर ऐसे करना शुरू किया तो जो बता रहे कि परमेश्वर ने बरकत भी इनको डबल ही दी। जो बता रहे जो काम इनसे जैसे पहले करते थे, जैसे जिस जगह पर काम करना जैसे वो पूरा हो गया तो उसके बाद इन्हें काम नहीं मिलता था, जैसे जब इन्होंने ऐसे बरकत का नियम पूरा सही तरह से डबल कर अपना दशमांश निकालना शुरू किया, तो जो बता रहे कि काम भी इनको ऐसे खत्म होने से पहले इनको कॉल आ जाती थी कि जहाँ पर काम है, और जो बता रहे कि इस महीने परमेश्वर ने इनको बहुत ज़्यादा बरकत भी दी, और जो बता रहे कि इनसे सोच से भी ज़्यादा परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया जब इन्होंने इस नियम को सही तरह से किया। तो इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते। कितने लोग चाहते हैं जो हमें बरकत दे, क्योंकि बरकत का नियम एक ही है, तुम खाली प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर मुझे बरकत दे और बो ना, क्या ना करो, बोवो बोझो ना, बोना नहीं,
खाली प्रार्थना करें परमेश्वर मेरी बरकत दे, बरकत बरकत के लिए बोना पड़ेगा। डेढ़ साल खराब कर लिया, कितना 1.5 साल खराब कर लिया ना, अगर 1.5 साल करते तो आज पता नहीं कितना आगे होना था। अभी तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ ना, बोलो क्या है, अगर 1.5 साल पहले ये करते तो आज पता नहीं कहां तक पहुंचते। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 1.5 साल पहले करते, मन फिराया, वचन आया, क्या आया, वचन आया ना, परमेश्वर ने अपनी दासी के मुंह से दिया कि जो लोग अपना दशमांश रखकर खर्च लेते हैं ये बहुत गलत बात है, कि बाद में डाल देंगे ये गलत चीज है। तो ये कहते तो सुना तो हम तो करते हैं। मन फिरा लिया उस दिन घर जाकर, जब मन फिराया तो डर के मारे अगले दिन का भी एडवांस में निकाल रही हैं। कैसे बोलो, डर के मारे अगले दिन का भी एडवांस निकाल रही हैं। जब ऐसा किया बरकत पर बरकत, बरकत पर बरकत, एडवांस में काम आ रही, कोई घटी नहीं। आमेन। ओके, परमेश्वर तुम्हें बरकत दे और भी ज्यादा बरकत दे।